Today this press conference, the NISH International Fashion Arena. We are already launching the magazine today, the quarterly edition, latest edition. And we are already future jo planning hamara hai magazine ka related. So hum log ne abhi magazine ka ek photo shoot ka plan kiya hai 22 this month already. Uska abhi hum log ne brief karenge aur usme jo मॉडल्स अभी जो उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला जो मॉडल्स है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है ये हम लोग इसके बारे में एक ब्रीफ करेंगे. और बाकी हमारा जो फीचर का जो मैगजीन का जो डिटेल है द मैगजीन का चीफ एडिटर द सायरा साहब बैठा है तो उन्होंने उनका डिटेल क्लियर ब्रीफ करेंगे. तो ये दो जो मुद्दा है, एक तो मैगजीन का जो लेटेस्ट एडिशन को हम लोग ये इसमें अभी लॉन्च कर रहे हैं और सेकंड जो मेन मुद्दा है हमारा जो 22 का जो फोटोशूट हो रहा है द ड्रीम स्टूडियो में इसका हम लोग थोड़ा ब्रीफ करेंगे और इसमें जो भी न्यू कमर्स मॉडल्स आ रहे हैं उसको क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं तो उनको पोर्टफोलियो में हम लोग क्या क्या ऐड करवा रहे हैं और उनको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और बाकी सब डिटेल ऑलरेडी हमारे पास है. इसका हम लोग आने वाले टाइम में इसको ब्रीफ करेंगे. ठीक है, तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ अपना चीफ एडिटर को. आने वाला जो मैगजीन का इंटरनेशनल जो टाइप है हमारा जो इजिप्ट के साथ है और आने वाला जो बाकी जो कंट्री में हमारा जो आने वाला जो प्रोग्राम्स है उसका ऑलरेडी सारा साहब उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. इट इज़ अ रियली इंडीड प्लेजर फॉर मी टू कम टू बॉम्बे. Right from I am from Pune basically, and basically I am the CEO and the owner of the magazine called NISH Fashion Arena International. We have recently done a press conference announcing the magazine as an international because we have got tied up with a company based in Egypt, Cairo, who is also owning a magazine called NISH. So we have got tied up with them. The idea, main idea, will be like. It is a platform for the new designers, fashion bloggers, fashion choreographers, models, and other people involved in the fashion industry. Basically, this magazine is for the fashion community of global people. So, the NISH Egypt, when we have signed up an agreement with them on the international level, so we are going to get the pages of fashion pages of NISH from Egypt in our magazine, and they are going to have our pages of fashion magazine of the India edition in their magazine. So it's a good collaboration with them and it is going to become global this way. So I am officially announcing today that the NISH Fashion Arena is now onwards called NISH Fashion Arena International. Wow. Okay. Great. Thank you. Great. अरे जी, आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि 23rd को जो फोटो शूट होने वाला है उसमें कहाँ कहाँ से मॉडल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्या है. तो हम लोग अभी जो 22 का जो प्लान किया है जो फोटोशूट का इसका हम लोग ने अभी जो न्यू कमर जो मॉडल्स है जो जिस इंडस्ट्री के साथ अभी आने वाले टाइम में काम करेंगे उनको हम लोग जो फोटोशूट का हम लोग ने द स्टूडियो में प्लान किया है. इसमें हम लोग अभी उनको जो बेनिफिट्स है उनको एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और ए बी कनेक्टेड में और उसको हम लोग फ्यूचर में हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ है उसके ऊपर उनको हमारा जो फ्यूचर जो इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है साउथ का नॉर्थ का और बाकी जो फैशन शो होते हैं हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट के साथ हमारा जो फैशन शो होता है और उसके बाद हम लोग जो मैगजीन में आने वाले टाइम में जो मॉडल्स अभी हमारा जो फोटोशूट में आ रहा है अलग अलग कॉस्ट्यूम में अलग अलग पोजिशन इसमें तो उनको हम लोग उसमें भी हम लोग उसको ये दे देंगे पेज हम लोग दे देंगे. फिर हमारा जो फीचर जो ऐड एजेंसी हम लोग जो कर रहा है ऐड एजेंसी के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके भी उसमें भी उनको बेनिफिट दे सकते हैं. तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा हम लोग का भी ये छोड़ी की भी हमारा एक्टिविटीज़ है ऑलरेडी द इवेंट मैनेजमेंट अभी हम लोगों ने 10 December को एक इवेंट प्लान किया है हमारा जो इंटरनेशनल वुमन डे को जो प्लान किया है तो उसका भी हम लोग अभी नवी मुंबई में हम लोग इसको ये करने का इवेंट का जो मैनेज करने का प्लान किया है. तो ये हमारा
ये जो फोटोशूट रिलेटेड जो एक्टिविटी का पॉइंट्स है और द मैडम अंजल इनको हम लोगों ने मैगजीन का एम्बेसडर ऑलरेडी इसमें भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, तो फ्यूचर में मैडम भी हमारे साथ मैगजीन को प्रमोशन के लिए इंटरनेशनल प्रमोशन से इनके लिए उन्होंने हमारे साथ काम करने वाले हैं, और मैं इनको भी हमारे तरफ से जोड़ने का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आने वाला जो प्लेटफॉर्म हमारे साथ मिलकर काम करने का जो मौका है इसके लिए हम लोग उनको भी बधाई देता हूँ। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली कांग्रेचुलेट। सबसे पहले अंजला बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कितने खुश हैं और थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए, खुशी में उछल रहे हैं। ओके अंजला, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस न्यूज मैगजीन को लेके, अनिल जी को लेके, और कितने एक्साइटेड हैं आज आपको करना पसंद? आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट निश फैशन मैगजीन व्हिच इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल नाउ, एंड I really congratulate Cyrus ji and Anil Nair ji for such a great success which is starting in this great fashion field, and I'm Miss Glamour Face World India and Popular Queen of Universe 2019 and international winner in Germany. So I'm all traveling the world like London, America, and through this magazine being a part of it as a brand ambassador, I would be very happy to promote this magazine on international level, and I really feel happy that these two people are the great backbone of for this fashion magazine, so I feel happy. Rakesh ji, kya kuch kehna chahenge is beauty pageant ko leke jo hone wala hai, photo shoot hone wala hai? Ye nahi mic maan pahuncha, ek second, ye nahi totally mic, aa jayega, aa jayega, record ho jayega.